अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली असगर और आज हम मैट्रिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 को समझने जा रहे हैं, जिसमें मैट्रिक फिजिक्स के 10 ईयर के क्वेश्चन 2015 कराची बोर्ड के सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चन नंबर 22 को समझने जा रहे हैं, जो कि हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है। विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन फाइंड द मास ट्रांसफॉर्म टू एनर्जी when the speed of light is 3.88 meter per second and the energy released during nuclear reaction is 9.16 joule। हमसे कहा जा रहा है कि आइंस्टाइन की इक्वेशन की मदद से आप मालूम करके बताओ कि कितना मास जो होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा एनर्जी में। याद रहे आइंस्टाइन ने ये कहा था कि मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, तो आइंस्टाइन ने इसके लिए एक इक्वेशन बताई थी। तो हमसे कहा जा रहा है कि आइंस्टाइन की उस इक्वेशन की मदद से आप बताएं कि कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज 3.88 मीटर पर सेकेंड, जब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, और उस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है वो 9.16 जूल है। यानी एनर्जी दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट दी गई और मास पूछा जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम डेटा की तरफ बढ़ते हैं। तो डेटा में हमसे स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है और स्पीड ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। स्पीड ऑफ लाइट को सी से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसकी वैल्यू है 3.88 मीटर पर सेकेंड, और एनर्जी जो है वो हमें यहाँ जूल में दी हुई है, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 9.16 जूल। रिक्वायर्ड जो हमारे पास इस न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है, रिक्वायर्ड वो है मास। हमें बताना है कि कितने मास से इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, कितना मास जो है वो इस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। आइए सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन की मदद से सोल्व करने को कहा गया है। तो आइंस्टाइन की एक मशहूर इक्वेशन ई बराबर है एमसी स्क्वायर के। अब यहाँ सी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लायर है, वहां अगर चले जाए तो डिवाइड हो जाएगा e, और ये हो जाता है सी स्क्वायर। हमें m चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, एनर्जी की जगह इसकी वैल्यू रखते हैं e की जगह, तो e हमारे पास है 9.16 जूल, m हमारे पास रिक्वायर्ड है, c की वैल्यू हमारे पास है 3.88 और इसके बराबर आ जाएगा स्क्वायर। तो 9.16, और जब हम 3.8 का स्क्वायर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 का स्क्वायर होता है 16। याद रहे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम वैल्यू है, और जब भी ये सेम वैल्यू होते हैं उन्हें कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, मास की वैल्यू आ जाती है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, 1 किलोग्राम मास आइंस्टाइन के मुताबिक कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, 9.16 जूल की शक्ल। अब ये लेक्चर हमारा 4th था और इसके साथ ही 2015 में आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और लेक्चर नंबर 4 में इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के साथ 2015 के तमाम न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं 2014 की तरफ और वन बाय वन हम क्या करते हैं, उसके भी तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब इसका जो हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 6 की शक्ल में आया। इस सवाल में कहा जा रहा है, अ गन ऑफ मास 10 किलोग्राम फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 0.05 किलोग्राम विथ अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। हमसे कहा जा रहा है कि एक बंदूक है जो कि 10 किलोग्राम की है और उससे हम क्या कर रहे हैं, बुलेट को फायर कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं जो कि 0.05 किलोग्राम है, और उस गोली की जो रफ्तार बताई जा रही है वो कितनी होती है, 200 मीटर पर सेकेंड होती है, और हमसे कहा जा रहा है कि आप वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल ऑफ द गन का मतलब है कि जैसे ही गन को फायर करते हैं तो बंदूक जो होती है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ आती है, उसे हम कहते हैं रिकॉइल। तो हमसे कहा जा रहा है कि जैसे ही हम बुलेट फायर करेंगे तो बंदूक कितनी रफ्तार से पीछे की तरफ आएगी, उसे रिकॉइल कहा गया। याद रहे ये न्यूमेरिकल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। जब भी बंदूक और गोली इस टाइप का अगर सवाल आ रहा हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप एक डेटा के बजाय 2 डेटा बना लो, इससे न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ डेटा फॉर गन कर लिया हमने, और दूसरा मैंने डेटा अपनी आसानी के लिए कर लिया है डेटा फॉर बुलेट। बंदूक की गोली के लिए अलग डेटा हमने कर दिया और गन के लिए, ताकि हमें समझने में बड़ी आसानी रहे।
तो गन का जो मास है उसे मैंने m1 का नाम दिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसे u1 का नाम दिया, और फाइनल वेलोसिटी को मैं नाम दे रहा हूँ v1 का। इसी तरीके से बुलेट की जो भी चीज़ें हैं उसे मैं 2-2 का नाम दे देता हूँ, उसके मास को m2 का, वेलोसिटी को u2 का, इनिशियल वेलोसिटी को u2 का और फाइनल वेलोसिटी को v2 का। अब बंदूक का जो मास दिया हुआ है वो है 10 किलोग्राम, बुलेट का जो मास दिया हुआ है वो 0.05 किलोग्राम। इसी तरीके से इनिशियली बंदूक की जो रफ्तार है वो जीरो थी, बंदूक तो रुकी हुई थी, गोली चलने के बाद पीछे की तरफ आ रही है। इसी तरीके से बंदूक की गोली जब बंदूक से निकली होगी उस वक्त इसकी रफ्तार क्या होगी, जीरो। और ये 200 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है, इसकी फाइनल रफ्तार है बुलेट की। तो यहां हमने कहा इसकी फाइनल रफ्तार जो है वो क्या है, 200 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा जा रहा है रिकॉइल वेलोसिटी यानी बंदूक की हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करने को कहा गया है। आइए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन याद होनी चाहिए, जो कि है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2। अब m1 जो यानी बंदूक का जो मास दिया गया है वो 10 दिया हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0। इसी तरीके से बुलेट का जो मास दिया हुआ है वो 0.05 दिया हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दी गई है। इसी तरीके से m1 हमारे पास जो है वो 10 है, v1 हमें मालूम करना है। इसी तरीके से m2 जो है वो 0.05 है, v2 की वैल्यू है 200। अब 10 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू आ जाती है 0, 0.05 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी वैल्यू आ जाती है 0। 10, v1 अपनी जगह है, जब मैं 0.05 को 200 से मल्टीप्लाई करता हूँ कैलकुलेटर की मदद से तो वैल्यू आती है 10। अब ये 10 यहाँ, यहाँ तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, 10 यहाँ प्लस में है वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस में। इसी तरीके से ये 10 यहाँ v1 से मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो -10 को जब मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो बंदूक की जो फाइनल रफ्तार यानी रिकॉइल वेलोसिटी आ रही है वो -1 मीटर पर सेकेंड है। याद रहे ये माइनस में इसलिए आ रही है कि बंदूक की गोली की जो रफ्तार है जिस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, बंदूक की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। इसलिए हमारा आंसर जो है वो रिकॉइल का हमेशा माइनस में आएगा। और ये हमारे जो है वो न्यूमेरिकल का आंसर है। तो हमने यहां लिखा द डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी इज अपोजिट, ये अपोजिट है टू द डायरेक्शन of velocity of the bullet। तो बुलेट के मुकाबले में इसकी रफ्तार अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो कि सिनबोर्ड टीचिंग के नाम से है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।